नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं आलोक। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के कर्मचारी का 2100 करोड़ रुपए एक ऐसे प्राइवेट बैंक में फंस गया है जिसका प्रमोटर दाऊद इब्राहिम का साथी इकबाल मिर्ची है। जी हां, आपको यह भी याद होगा कि इस बैंक का नाम DHFL है, यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी हां, हम बात कर रहे हैं DHFL की, यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। आप ये जानते हैं कि RBI ने इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है, तो कर्मचारियों का इसमें पैसा फंसा है, अब कैसे मिलेगा ये साफ नहीं है। तो साफ तौर पर इस घोटाले की शुरुआत कहां से हुई, बैंक का नाम DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। तो RBI ने DHFL को दिवालिया घोषित किया है और साफ तौर पर तो अब इसमें पैसा कैसे मिलेगा यह साफ नहीं है। अब हम आपको यह भी बता रहे हैं कि जो आप नहीं जानते होंगे, केवल यूपी पावर कॉरपोरेशन ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे सरकारी संस्थान हैं जिनके कर्मचारियों को PF का पैसा इसलिए दिवालिया हो चुकी कंपनी में फंसा हुआ है। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि यह सब क्यों हुआ, कब से हुआ और कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। तो साफ तौर पर आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं। तो यूपी पावर कॉरपोरेशन ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे सरकारी संस्थान हैं। तो DHFL का एक शिकार उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि हम जिसे सरकारी ग्राम विकास बैंक, जो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड है। यहां के 3000 कर्मचारियों के PF का 21 करोड़ रुपए इस DHFL में फंसा हुआ है और कोई मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। तो हमारी पड़ताल में क्या कुछ बातें सामने आई, जरा वो समझिए कि PF का ये पैसा अगर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जमा कराया गया तो इस कंपनी में कतई भी ना कराया जाता। इस तरीके से कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है, अनदेखी की गई है, क्योंकि सरकारी एक 2015 के गजट के अनुसार कुल 21 ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी वित्तीय संस्थाएं हैं जिसमें यह निवेश किया जा सकता है और DHFL इन 21 संस्थाओं की सूची में नहीं है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण विकास के ट्रस्टियों को यह विशेषाधिकार मिला हुआ है कि PF की जमा की कुल राशि का 5% आप कहीं भी जमा कर सकते हैं। तो ये हिसाब जरा देखिएगा, अब जरा हिसाब किताब भी देख लेते हैं कि ग्रामीण विकास बैंक का कुल PF 293 करोड़ है। यदि इस विशेषाधिकार की जिसकी हम बात कर रहे हैं इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो भी सिर्फ 14,65,00,000 ही जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि जमा करवाई गई रकम 21 करोड़ है। सोचिए, अंदाजा लगाइए, यानी कि विशेष परिस्थितियों में जिस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए उसका दुरुपयोग किया गया। अब सवाल यह है कि पैसा वापस कैसे मिलेगा। तो सवाल तमाम सारे हैं, जरा अब जो सवाल उठ रहे हैं हम उनको भी अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। तो कंपनी तो दिवालिया हो गई, अब कैसे मिलेगा पैसा, सबसे बड़ा सवाल। ग्रामीण विकास बैंक की जांच में आखिर देरी कैसे हुई, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड में आखिर देरी कैसे हुई। बीते 6 सालों से पैसा जमा हो रहा था, लोग क्यों सो रहे थे, ये भी बड़ा सवाल। क्या DHFL में निवेश करने के पीछे कमीशन का चक्कर है। कर्मचारियों की गाड़ी कमाई अब कैसे वापस मिलेगी, बड़ा सवाल। तो हम चर्चा शुरू करें, मेहमानों से मिलाएं, लेकिन इससे पहले बड़ी बात, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव का दावा है। जब हमने उन्हें घेरने की कोशिश की तो देखिए क्या कुछ कहा, कोई भी ट्रस्ट 5% तक रेटिंग के आधार पर निजी बैंक में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कुल लागत से अधिक का निवेश DHFL में किया गया, जिस पर अब जांच की बात की जा रही, जरा सुनिए। इस पे जो है वो केंद्र सरकार की जो निर्देश है उसके क्रम में बहुत सीमित धनराशि कुछ कंपनियां जो लगातार 3 वर्षों से लाभ में हैं, लिस्टेड कंपनीज है, उनका क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और उनके बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, उस प्रकार के कंपनियों में कुछ प्रतिशत
5% तक जो है वो लिमिट है, तो रखने की सुझाव उसमें प्राविधान है। उसी में उन लोगों ने निर्णय लिया होगा ये 4-5 वर्ष पहले, तो इन लोगों ने निर्णय लेके उसमें किया है। हो सकता है उस समय जो है ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो पैरामीटर्स है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, वो ठीक रहे होंगे। लेकिन ये है कि ये देखना है कि उस समय किन आधार पे किया, कैसा किया, तो ये कोई शिकायत आएगा तो हम इस पे जांच कराएंगे। वहीं इस मामले पर प्रदेश सहकारिता ग्राम विकास बैंक में ट्रस्ट के सचिव राजकुमार यादव ने क्या कुछ अपनी सफाई दी है, जरा वो भी अपने दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा। नहीं, ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न गलत लगाया गया है। जो भी उसकी क्रेडिट देखते हुए, क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए और जो भारत सरकार का राजपत्र है उसको देखते हुए ही हम लोगों ने निवेश का निर्णय लिया है। और जो भी निवेश किया गया है सर्वसम्मति सारे 6 लोगों के बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें कि DHFL यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो सब जानते हैं कि किस तरीके से RBI ने इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसमें पैसा कैसे मिलेगा ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन इसी बीच ये मामला चल रहा था। लेकिन अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड में भी जिस तरीके से मामला सामने आया है, तो बीते 6 सालों से पैसा कहाँ जमा हो रहा था, लोग क्यों सो रहे थे, कंपनियां तो दिवाली हो गई है और अब कैसे मिलेगा पैसा, ये ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किस देर किए हुए हम आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं और आज हम बहुत स्वस्थ डिबेट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आज मामला है कोई राजनीतिक नहीं हम कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि मामला जो सामने आ रहा है, जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, आम आदमी की गाढ़ी कमाई का ये सीधा सीधा मामला है, जिसके जहन में ये चल रहा है कि उसकी गाढ़ी कमाई आखिर उसे कैसे मिलेगी। जल्दी से आए हुए मेहमानों से परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हरीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि UPPCL कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। बैंकिंग एक्सपर्ट SK संगवानी जी हमारे साथ हैं। SK संगवानी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश गुप्ता जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरे इस मामले की सामने उजागर किया है। अवनीश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और कुंडा से हमारे साथ कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो एक हेल्दी पैनल हमारे साथ है जिससे हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे और समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने संवाददाता अवनीश गुप्ता के पास आ रहा हूं। अवनीश गुप्ता, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड का जो मामला सामने आया है, बड़े संक्षेप में सबसे पहले मैं आपसे जानने की समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। अभी एक मामला चल ही रहा था और ये मामला पाइपलाइन में आ गया, अभी जाने कितने जाने और मामले सामने आएंगे, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जितने भी कारनामे हैं वो एक करके उजागर हो रहे थे और खुद पिछले दिनों देखने को मिला है कि ऊर्जा विभाग में जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड का पैसा फंसा हुआ था उसको लेकर आंदोलन भी बहुत तेज चलाया गया था और यहां तक स्थिति थी कि सरकार को अपना पक्ष भी रखना पड़ा। उसके बाद UPSIDCO में पैसा लगने की बात आई और उसके बाद उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का 21 करोड़ रुपया कर्मचारियों का लगे होने की बात सामने आई। कुल मिलाकर एक शिकायत की गई थी प्रमुख सचिव के पास कि 21 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वो पैसा कैसे लाया जाएगा। उसके बाद मामला के खुलासा हुआ कि उसमें कर्मचारी अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि ट्रस्ट है बैंक की तरफ से, वह जितने भी अंशदान होते हैं कर्मचारियों का 12% वह हर महीने जमा होते हैं, उस फंड को 2016 से DHFL में लगाया जा रहा है। लेकिन चूंकि एक बड़ी धनराशि थी, उस पैसे का क्या होगा, उसका क्या भविष्य होगा, उसको लेकर कर्मचारी चिंतित थे। उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ, इसमें जांच प्रक्रिया भी लाई गई और खुद प्रमुख सचिव ने एक बयान जारी किया है कि इसमें जितने भी रेटिंग होते हैं उस रेटिंग के आधार पर DHFL में निवेश किया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ 5% तक निवेश कर सकता है। लेकिन ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि प्रमुख सचिव का जो दावा है वो गलत है,
ट्रस्ट 5% से अधिक की धनराशि उसमें निवेश कर सकता है। तो कुल मामला अभी पेशो पेश में है, अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कौन सही है। लेकिन कर्मचारी कर सकता है, उससे भी ज्यादा कर सकता है। लेकिन सवाल जो घूम फिर के ये आ रहा है कि आखिरकार DHFL में ऐसे क्या सुरखाब के पंख लगे जो आप 5% से ज्यादा भी कर सकते हैं और किसकी अनुमति से कर रहे हैं। ये तमाम सारे सवाल हैं जो एक्सपर्ट से हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन बड़ा सवाल हरीश जी, बहुत से ऐसे सहकारी संस्थान हैं जिनके कर्मचारियों को PF का पैसा इस दिवालिया हो चुकी कंपनी में फंसा हुआ है, क्या जवाब है सरकार के पास? देखिए, निश्चित रूप से आलोक जी, ये बहुत गंभीर विषय है और जब से ये विषय संज्ञान में आया है तब से यहाँ का इकोनॉमिक अफेंस विंग तो जांच इसकी कर ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद ED भी इसकी जांच कर रहा है। बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उन सब को लेकर के सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों के जो भविष्य निधि है उसकी लेकर के सरकार ने कहा है कि उसका एक एक पैसा सरकार सुरक्षित होने का उनको गारंटी देती है। और तो अभी तक सरकार ने क्या गारंटी दी है? देखिए, पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी किस तरीके से प्रदर्शन की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या सरकार के पास क्या प्लान है, किस तरीके से कैसे उनको शांत करेगी, क्योंकि प्रदर्शन लगातार उन लोगों का जारी है। सरकार अभी तक संतुष्ट नहीं कर पाई है हरीश जी। देखिए, सरकार ने के उनके कर्मचारी प्रतिनिधियों से माननीय मुख्यमंत्री जी की वार्ता हुई थी और उसमें जो उनकी शंकाएं थी उसका निवारण हो चुका है। मुझे लगता है कि 8-10 दिन पहले की बात है, शायद जानकारी सभी मीडिया माध्यमों में आया था, आपके पास भी आया होगा कि वो व्यवस्था कर्मचारियों भविष्य निधि की जो भी भुगतान के संबंधी व्यवस्था है उसमें उनकी समस्या। चलिए, ये कर्मचारियों के हितों की बात है और कर्मचारी हित राजेश सिंह से अच्छा बेहतर जवाब कौन दे सकता है। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मामला सामने आया जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज उठाई, आपको सरकार की तरफ से सीधा सा मेरा जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि क्या जवाब मिला, क्या आश्वासन मिला और सरकार की तरफ से जो भी जवाब मिला क्या कर्मचारी यूनियन उससे संतुष्ट है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष की हैसियत से अपनी बात को रखूंगा। जी जी, जैसा कि ये मानना है सभी लोगों का कि आज देश जिस विकास के पथ पर पहुंचा है उसमें कर्मचारी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आजकल कर्मचारियों के मुद्दे हाशिए से गायब हो गए हैं, जिसकी जिम्मेवारी कुछ हम लोगों को भी लेनी पड़ेगी। और एक संदिग्ध कंपनी को जिस तरह कर्मचारियों के गाढ़ी कमाई का पैसा दे दिया गया, यह बेहद ही खतरनाक है। और यह मैं उससे भी जोड़ूंगा, जो NPS के नए लड़के NPS पा रहे हैं जो 2005 के बाद में, उनका पैसा कहाँ जा रहा है ये भी किसी को मालूम नहीं है। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है और इस पर ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए कि आगे चल करके कुछ मामला उठता है उसके बाद फिर शांत हो जाता है कि ऐसी स्थिति आए। से राजकीय सेवक का GPF होता है, उसका स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, महालेखाकार कार्यालय में सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं, तो उनका पैसा सुरक्षित है। लेकिन ये पैसा हमसे बिना पूछे किस लिए ऐसी कंपनी से लगा दिया गया, जिसकी जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। आप सर राजेश यूनियन से जुड़े हुए हैं तो इतने सालों तक ये मामला तो काफी पहले से चलता रहा, इतने सालों बाद क्यों ये सारी चीजें ध्यान में आई? अब ऐसा है, कोई चीजें चलती हैं तो उसमें तुरंत ही कोई चीज का खुलासा नहीं होता है, धीरे धीरे करके जिस तरह पाप का घड़ा भरता है वो किसी ना किसी दिन फूटता ही है। तो वो चीज सामने आई है, लेकिन सामने आई है तो इसका निस्तारण भी इतना व्यापक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आगे से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, बड़ी बात यह कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब मैं जरा SK संगवानी जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, संगवानी सर के पास आऊंगा। सर, DHFL का एक और शिकार उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास जिस तरीके से सामने आया है यहां पर, यह मामला पूरी तरीके से, और यहां के 3000 कर्मचारी, कोई एक दो की बात नहीं है सर, यहाँ के 3000 कर्मचारियों के PF का 21 करोड़ रुपया इसमें फंसा हुआ है और कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। सर, सीधे तौर पर जिम्मेदारी किसकी है, चूक कहाँ पर है, मैं आपसे जरा समझूंगा सर। देखिए, अगर आप मूल विषय पर बात करें तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर से होने के नाते हमारा ये मानना है कि ये जो दुरुपयोग है अपने अपने पदों का या उनको जो छूट मिली हुई है निर्णय लेने की, उसका सही उपयोग न करके ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट किए गए हैं
अदरवाइज ज़्यादातर विभागों में ये स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि आप GPF EPF के जो भी ट्रस्ट हैं उनके लिए भी, और नॉर्मली ऐसा होता भी है कि वो या तो बैंक सरकारी उस बैंकों में ही पैसा जमा रखते हैं, अन्यथा सरकारी प्रतिभूतियों में भी उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनमें प्रावधान होता है। लेकिन इस तरीके की ये प्राइवेट कंपनियां जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा सफलता का इतिहास पहले का भी नहीं है, उनमें इतनी बड़ी रकम वो भी कर्मचारियों के PF की रखी जाए, ये नैतिक रूप से निर्णय लिया ही गलत गया है। जी, नैतिक निर्णय की जब बात आती है नैतिकता की, तो बिल्कुल सरकार की भी गाइडलाइंस हैं उसमें कि आखिर किसकी सहमति से हुआ सर ये सब, ये लोग जानना चाह रहे हैं कौन दोषी है इसमें और क्या फायदा हो सकता है। देखिए, इसमें तो बहुत साफ है, 4 साल तक जैसा हम लोग जानकारी में आया कि मीटिंग ही नहीं हुई ट्रस्ट की, तो जब ट्रस्ट की मीटिंग नहीं होगी तो निर्णय कहाँ हुआ होगा ये कोई कह नहीं सकता। यानी वो बिना अधिकृत हुए उन्होंने निर्णय लिए और गलत निर्णय लिए। ये बताता है कि भारत में जो इतने लगातार घोटाले गड़बड़ियां हो रही हैं, हमारा कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स है, इसलिए जब वो खुलता है तब हमें पता लगता है। यानी हमारे अपने सिस्टम से हम नहीं जान पाते कि कहां क्या गड़बड़ी हो रही है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बराबर ट्रांसपेरेंसी बरतने की बात की जा रही है, पारदर्शिता की बात की जा रही है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की एक अलग परिभाषा गढ़ ली गई है कि जो मैं बताऊं उसको आपको मैं जो बता रहा हूं वो ट्रांसपेरेंसी है, ऐसा नहीं है। निर्णयों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, घोषणाओं में ट्रांसपेरेंसी किसी से काम नहीं चलेगा। यहाँ निर्णयों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए तो काफी समय बाद ये घोटाले के रूप में खुलते हैं। अन्यथा जब ये निर्णय हो रहे हैं तो अगर कंप्लायंस और मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉपर अपना काम करता रहे तो कोई वजह नहीं है कि उन्हीं दौरान और उसी समय पर ये चीजें पकड़ के ना आए और इनके रेमेडियल स्टेप्स न लिए जाए। लेकिन ये एक नेक्सस के रूप में चल रही है हर विभाग में। बिल्कुल, ये एक बड़ा नेटवर्क है और ये कैसा सिस्टम हो चुका है पूरी तरीके से। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने हमारे एक्सपर्ट्स की बात सुनी, विपक्ष अब किस तरीके से इस मामले को उठाएगा संदीप जी, क्योंकि प्रियंका भी लगातार इस मामले को लेकर के ट्वीट कर रही हैं। जैसा कि हम आपके साथ इस मुद्दे पर एक डिबेट और भी कर चुके हैं, तब भी हमने ये कहा था कि आपने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को लेकर के की थी, आज हम उसकी बात बल्कि नहीं कर रहे हैं, आज हम जिस तरीके से ग्रामीण विकास बैंक को लेकर के बात कर रहे हैं सर। जी 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 जी, मुद्दे वही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने उस समय कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आपकी निगरानी में ये पैसे लगे हैं प्राइवेट फर्म में, तो आप जो है जो भी वर्कर है जो भी कर्मचारी है उनको आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका पैसा जो भी है उसकी जो है गारंटी सरकार लेती है और जो है हम उसका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, उसका रोड मैप जो भी हो वो उन लोगों के बीच में रखा जाना चाहिए। जी, अब सवाल ये कि अवनीश, मैं आपके पास आ रहा हूं, अवनीश लगातार अब इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, क्योंकि मैं आ रहा सवाल ये कि PF का ये पैसा अगर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जमा कराया गया होता तो इस कंपनी में कतई ना कराया जाता, नहीं अवनीश लगता इस पूरे मामले में, यानी कि अनदेखी की गई है साफ तौर पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो गाइडलाइन है भारत सरकार की उसमें साफ साफ है कि जो 21 बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें पैसा लगाया जाए, क्योंकि उसमें पैसा लगाने से उस प्रोविडेंट फंड का भविष्य सुरक्षित रहता है, या भविष्य निधि आयोग के पास पैसा जमा करा सकते हैं। विकल्प सरकार ने कई दिए हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है कहीं ना कहीं कुछ लालच में उन बैंकों प्राइवेट कंपनियों को वह अंशदान दे दिया जाता है जो गाढ़ी कमाई होती है कर्मचारियों की, और उसके बाद एक के बाद एक खुलासा भी होता जा रहा है। और सीधे सीधे अगर देखा जाए तो जिस तरीके का तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, उसमें यह तर्क दिया जा रहा है कि 5% तक विशेषाधिकार है, लेकिन वह 5% इसलिए है क्योंकि वह 9.30% का उनको ब्याज मिलता है, ये दावा है, जबकि सरकारी बैंकों में जहां सुरक्षित रह सकता है पैसा वहां 7% मिलता हुआ है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा लालच है जो आगे चलकर उसका भविष्य अधर में हो सकता है, और वही हुआ है DHFL के साथ। DHFL ने सिर्फ एक कंपनी नहीं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनका भी खुलासा नहीं हुआ है, धीरे धीरे उसका भी खुलासा होगा, और वहां के करोड़ों रुपए उनके पास जमा है। अब बैंक दिवालिया है, अब लोगों को यह नहीं पता कि उस पैसे को निकालना कैसे, वो विधिक राय ले रहे हैं, वो हाईकोर्ट जा रहे हैं। बिल्कुल अवनीश, ये लगता है हम और आप इसका समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है। हरीश जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ अब लोग भी यही चाह रहे हैं, जैसा कि अवनीश ने भी कहा, अवनीश ने भी तमाम सारे लोगों से बात की जाकर के, उनका दर्द जाना, लोगों के जहन में अब बस यही सवाल है कि आप आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष सब अपनी जगह है, लेकिन उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा कैसे मिलेगा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर। देखिए आलोक जी, एक बड़ी समस्या है जी, और इसके अगर आप व्यापकता में जाइए
तो कहीं ना कहीं नीतिगत समस्याएं रही हैं इसमें, जैसा कि राजेश सिंह जी कह रहे थे और लोगों ने कहा। लेकिन ट्रस्ट में एक तो कर्मचारियों की तरफ से जो मेरी जानकारी में आया था, जब पावर कॉरपोरेशन के इस मामले को लेकर चर्चा हो रही थी, तो मेरी जानकारी में आया था कि वो जो ट्रस्ट होता है उसमें एक मेंबर कर्मचारी यूनियन से भी होता है। और जैसा ये भी जानकारी में आया था कि ये दिशा निर्देश थे कि जो 3+ A rated कंपनियां हैं, फाइनेंशियल कंपनियां, उनमें लोग 5% निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप ये देखिए कि एक तो इसीलिए सरकारी संस्थाओं पे सबसे ज़्यादा भरोसा आम आदमी का होता है, क्योंकि उसको उसको लगता है कि हम सरकारी संस्थाओं के साथ हैं तो हमारा हमारी सुरक्षा ज़्यादा है, सुरक्षा ज़्यादा, बिल्कुल। लेकिन जब ये आर्थिक उदारीकरण को कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के रेजिम में स्वीकार किया गया, उस समय भी बहुत सारे, और मनमोहन सिंह जी उस समय इसके आर्किटेक्ट्स में से थे, और उस समय भी बहुत सारी ये बातें उठ रही थी। उसके जो बाई प्रोडक्ट्स जितने भी निकले, ये तो एक पक्ष आप देख रहे हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियों को। अरे जी, मेरा सीधा सा सवाल कि पिछली सरकारों में जो भी कुछ हुआ हमें, क्योंकि ये इसका जवाब नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए कि जब पिछली सरकारों में हुआ वही इस सरकार में, तो बदलाव क्या हुआ? नहीं, बदलाव बदलाव ये हुआ जी जी कि अब ये जो जो चीजें जो घोटाले हो रहे थे, जो इस तरह के फ्रॉड हो रहे थे, वो अब सामने आ रहे हैं और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई, त्वरित जानकारी, त्वरित जांच होकर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो एक तो जेल के पीछे जा रहे हैं, दूसरी तरह वो धन कैसे रिकवर हो, उन बातों पे सरकार काम कर रही है। राजेश जी, जो भी कैसे सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं कि जांच कराई जाएगी, सरकार लगातार जांच कर रही है, पैसा किसी का मरेगा नहीं, सबका पैसा मिलेगा? राजेश जी देखिए, अभी और जो बोर्ड निगमों में जांच की बात कही जा रही है, अभी और भी खुलासे घोटाले सामने आएंगे, और आश्वासन कोई भी सरकार रही हो, आश्वासन का ऑक्सीजन हर सरकार दे देती है, लेकिन उसके परिणाम देखने को बड़े लंबित मिलते हैं, उतने उचित नहीं मिलते हैं। और जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये अभी इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है जी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संगठनों को मिल करके भी और सरकार को मिल करके ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। नहीं सर, कोई ऐसी राजेश जी, जब हमने कई लोगों से बात की इस संदर्भ में, तो कर्मचारी यूनियन भी कई जगह पर जिम्मेदार बताया, क्योंकि आप लोग अपनी वेतन विसंगतियों को लेकर के किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं अपनी, और जो मूलभूत जो सुविधाएं उनको लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी पीएफ को लेकर के कभी जानने की कोशिश नहीं करी, इसमें ये भी एक जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए पहले मैंने आपसे कहा कि जिम्मेदारी तो हम लोगों की कुछ बनती है। तो आप लोगों को भी एक बड़ा सबक मिला इससे कहीं ना? बिल्कुल सबक मिला है, सबको सबक मिला है, और इस सबक से सीखते हुए आगे हम ऐसे कदम उठा रहे होंगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जी। चलिए, मैं एक सवाल संगतानी जी से, बहुत अहम सवाल आज की डिबेट। संगतानी सर, सरकारी गजट की हम जब बात करते हैं, 2015 के अनुसार कुल 21 ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी वित्तीय संस्थाएं हैं जिसमें यह निवेश किया जा सकता है। सर मेरा बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अहम सवाल, और DHFL इन 21 संस्थाओं की सूची में नहीं है, सीधी सी बात है, तो फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? जब 21 में नहीं है तो नहीं है तो नहीं होना चाहिए, सीधी नहीं सी होना बात चाहिए है। चूंकि ये सभी को लग रहा है और इसमें कोई शक भी हमें तो नहीं है, कोई ना कोई अंडरहैंड डीलिंग होती है जब इस तरीके का डाइवर्जन ऑफ फंड गाइडलाइंस को वायलेट करके किया जाता है। तर्क ये दिया जा रहा है कि शायद ब्याज की दर उस समय उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा ऑफर की और उनकी रेटिंग मार्केट के हिसाब से ठीक ठाक थी जी। सवाल ये नहीं है, पीएफ का पैसा किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए तो हो सकता है, लेकिन स्पेकुलेशन से इन्वेस्टमेंट नहीं कहना चाहिए, ये स्पेकुलेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट थे जिनमें नहीं होना चाहिए था। और उनको चाहिए था कि जब एक बनी हुई चीज़ें हैं कि सरकारी बैंक में आप जमा कीजिए, वो पैसा सरकार की योजनाओं में आगे काम आएगा, उसकी चेन है पूरी जिस पैसे का उपयोग होता है, सिर्फ एक ही पक्ष नहीं है कि उसकी गारंटी होगी, ये तो पक्ष ही है कि सरकारी बैंक में रखने से उस पैसे की गारंटी होगी। अब आज भी जो हमारे ये बैंक कर्मचारी साथी आंदोलनरत हैं, उनकी आंदोलन के पीछे ये नहीं है कि तुरंत पैसा लाओ, सुन लीजिए, वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार कम से कम इस बात की गारंटी दे कि ये हमको, क्योंकि उनको अभी नहीं पे होना है, वो धीरे धीरे जब जब वो रिटायर होंगे तब पैसा पे होना है,
तो उसकी गारंटी खत्म हो गई क्योंकि वो पैसा फंस गया। अब जो एनसीएलटी में मामला चला गया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वगैरह में, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उसकी कार्रवाई कर रहा है, ये झंझटों में फंसेगा। तो सवाल है, इस बीच में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे उनका तो इसी पैसे से भुगतान होना है, उसकी गारंटी सरकार ले। यानी कि सरकार साहब, एक चीज साफ है, अंडर द टेबल बहुत कुछ चला है। इस सवाल का मैं जवाब लूंगा जब ब्रेक के बाद आऊंगा तब अपने संवाददाता अवनीश से। बड़ी बहस जारी है, कुछ और भी अहम सवाल जो आम जन से जुड़े हुए, जनमानस से जुड़े हुए, उन सवालों का जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों का 2100 करोड़ रुपए एक ऐसे प्राइवेट बैंक में फंस गया जिसका प्रमोटर दाऊद इब्राहिम का साथी इकबाल मिर्ची है। आपको याद होगा कि इस बैंक का नाम DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, और आप ये भी जानते हैं कि RBI ने इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। संदीप जी, जरा मैं आपके पास आ जाता हूँ संदीप जी, क्योंकि विपक्ष की भी भूमिका बहुत अहम होती है। विपक्ष जिस तरीके से जोर शोर से मुद्दा उठाएगा उतना ही कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव बनेगा। अब सत्र शुरू हो रहा है 17 तारीख से, कैसे किस तरीके से अब इसको मुद्दा बनाएगा और कैसे आवाज उठाएगा विपक्ष? संदीप जी, हम जिस तरह हर फोरम पे जो है कर्मचारियों के साथ हैं, और अभी आपने कहा कि जो है भाजपा या ट्रस्ट का पैसा कैसे प्राइवेट में लग गया। LIC का पैसा आपको याद होगा IDBI बैंक में लगाया गया, 5700 करोड़ रुपए उसको जिमेन ने जो है शेयर मार्केट में जो पैसा लगा था 5700 करोड़ रुपए नुकसान हुए। सरकार ने पैसे उस कंपनियों में लगाए जो कंपनियां पहले से घाटे में चल रही, तो इनकी नियत जो है 60-80 प्राइवेट कंपनियों से करके जो है पैसा बनाने की रही है, और वही आज यहाँ भी हो रहा है। संदीप जी, खाली सरकार नहीं जिम्मेदार है। मैं एक सवाल मैं आ रहा हूँ संगतानी जी के पास। संगतानी जी, मुझे याद है कि जब नोटबंदी के दौरान किस तरीके से, जब नोट बदलने को लेकर के बैंक के अंदर ही अधिकारियों ने किस तरीके से खेल किया था और रिश्वतखोरी का खेल खेला गया था, ये सवाल बहुत मैं बेबाकी से कर रहा हूँ, इसका जवाब भी आप मुझे बहुत जिम्मेदारी के साथ दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचारी में ये विभाग भी लिप्त है, या लिप्त कहें या कुछ और आपकी भाषा में कहें कि हाँ नाम आज आ रहा है ऐसे में? नहीं, देखिए नोटबंदी के टाइम में जो बैंक कर्मचारी अधिकारियों पे आरोप लगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे या रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो सिर्फ प्राइवेट बैंक के, सरकारी बैंक के कर्मचारी तो रात रात भर काम करके बेचारे जनता की सेवा में ही लगे रहे, बल्कि पिटे कई लोगों के संग घटनाएं। अलग से छुट्टी भी मिली थी सर? नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं मिली, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। आज हम लोगों को उस समय मोदी जी ने भी तारीफ की, सभी ने की, लेकिन आज तक कई बैंक के कर्मचारियों को उसका ओवर टाइम भुगतान तक नहीं मिला है जी, और वो बेचारे आंदोलनरत भी रहे। सवाल यह है कि उस समय पर तो हम लोगों ने जो बैंक कर्मचारी थे वो सरकार के निर्णय को बहुत मिशन समझ के काम किया, परिणाम उसके लेकिन हमको किसी रूप में देश को भी नहीं मिले ऐसा नहीं लग रहा है, और हम लोगों को भी नहीं मिले। और नोटबंदी ने वाकई कोई कई प्रकार के प्रश्न पैदा कर दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों का कई तरीके से नुकसान हुआ, आज भी उसके परिणाम ही हैं, दुष्परिणाम के रूप में हमारे सामने हैं जी। तो नोटबंदी पे तो अलग से आप अगर चर्चा किसी दिन करते हैं तो हम आपको और भी बिल्कुल सर जरूर इस पे रखेंगे। लेकिन हम आज के यहाँ पे जो ये जो हमारा मानना है, मैं फिर बार बार इसको दोहराऊंगा कि देखिए इस समय पर जिन लोगों की जिम्मेदारी है निर्णय सही लेने की, वो कानूनों और गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर आप देखेंगे तो जितने घोटाले गड़बड़ियां ये हो रही हैं वहां पर उन ऊपर पे बैठे हुए उच्च पद के लोगों की ही जानबूझ के की हुई चीजें हैं। यानी आपका कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम खत्म होगा जब तक सख्त कानून के तहत कुछ बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके अंदर ये डर नहीं बैठेगा। जैसे अभी आपको लगता है इन परिस्थितियों में किस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किस किस पर गाज गिरनी चाहिए, खुल के बोलिएगा सर। हाँ, UPPCL के उस समय के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे जिनके ऊपर इस वित्त को मैनेज करने की जिम्मेदारी थी, बिना पिक एंड चूज किए उनको एक सिरे से इसमें पनिश किया जाना, चूंकि ये एक धोखाधड़ी है उन कर्मचारियों की। ये आप समझ सकते हैं PF का मतलब क्या होता है कि हम जो अपनी पूरी नौकरी करते हैं उसके बाद की पूरी जिंदगी उस पर निर्भर होती है, उस पूरे परिवार की। इसमें अगर कोई धोखाधड़ी की जाती है तो एक इनह्यूमन सा एक सोच ही दर्शाती है कि आप धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए लेकिन धोखाधड़ी हुई है। अवनीश जवाब, मैंने देखा कि आप किस तरीके से आप सरकारी अधिकारियों के पास गए, जब आपने उनसे वर्जन लिया उन्होंने कितना हल्के में लिया, क्योंकि PF का ये पैसा अगर भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जमा कराया गया होता तो शायद इस कंपनी में कतई जमा ना कराया गया होता, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से जमा करवाया गया पैसा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो पड़ताल हुई है उसमें साफ साफ निकल के आया है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये 2016 से चला आ रहा है। 2016 से DHFL ने
तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनका निवेश करवाया, उसी में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के कर्मचारियों का पैसा लगा हुआ है और उसमें दावा भी किया जाता रहा है कि अधिक ब्याज मिलने की वजह से वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया गया, उनका निवेश किया गया। लेकिन जब पड़ताल हो रही है, जब एक के बाद एक परतें खुल रही हैं, तो खुद प्रमुख सचिव इसमें पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि रेटिंग के आधार पर और 5% के आधार पर वो इन्वेस्ट होता है, लेकिन अगर 5% की बात करें तो 5% से आगे की रकम भी जमा हो चुकी है, अब जबकि जून माह से अभी तक कोई भी ब्याज की रकम नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार वो हैं जो 2016 में बैठ के नीति बना चुके थे, जब सरकार की गाइडलाइन उनके पास थी, केंद्र सरकार की गाइडलाइन उनके पास थी कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं 21 बैंक हैं उनमें निवेश होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनको दरकिनार करते हुए थोड़े से चंद ब्याज के लालच में उन्होंने DHFL में पैसा लगाया और इसमें वहाँ के सिर्फ एक ही अधिकारी नहीं जबकि मुख्य लेखाधिकारी, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, लेखा और 3 कर्मचारी प्रतिनिधि भी हैं उस ट्रस्ट में शामिल होते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ट्रस्ट में ही ऐसा होता होगा, जितने भी संगठन होते हैं उनका जो ट्रस्ट बनता होगा उसमें ट्रस्ट में वहाँ के कर्मचारी संगठन के लोग भी शामिल होते हैं, वहाँ का जो प्रबंधन होता है वो शामिल होता है, पूरी नीति बनाई जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़े से लालच के चक्कर में 2016 से DHFL में पैसा लगाया गया। अब 2019 में जब DHFL बैकफुट पे आ चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है, तब याद आ रहा है उनको अपने पैसे का कि उस पैसे को निकाला कैसे जाएगा। गाइडलाइन तो सरकार ने बना के दे दिया कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है क्योंकि वहां सुरक्षित रहेगा, हालांकि 7% ही वहां से ब्याज मिलता है, लेकिन 2016 में जिन लोगों ने बैठ के ये नियम बनाया और जो लोगों ने इन्वेस्ट करवाया पैसा वो ज्यादा जिम्मेदार है इसमें। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी और उत्तर प्रदेश में जो भी सहकारी बैंक का है उसके सभापति भी शिवपाल सिंह यादव इस समय हैं, उन लोगों ने पैसा लगवाया था और वो पैसा लगा। अब DHFL का एक के बाद एक कारनामा खुलता जा रहा है, एक के बाद एक निवेश का पता चल रहा है और जैसे जैसे पता चल रहा है उससे पता चल रहा है कि हजारों करोड़ रुपए उसमें निवेश किया गया है और परत दर परत वो खुल मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। जी मैं जरा बस आ रहा हूँ सर, संगदानी सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा आप शेयर करें। हाँ आ रहा हूँ संदीप सर, आपके पास भी आ रहा हूँ सर, जब जरा इंतजार कर लीजिए। राज्य परिषद को उन्होंने विघटित करने के बाद कारपोरेशन बनाया है, तो दो ही ट्रस्ट है यहाँ पर, एक है यूपी स्टेट सेक्टर पावर एम्प्लाइज ट्रस्ट जो निगमीकरण से पहले के कर्मचारियों के फंड को मॉनिटर करता है, दूसरा है यूपी पीसीएल सीपीएफ ट्रस्ट जो कॉरपोरेशन बनने के बाद के कर्मचारियों के फंड को मॉनिटर करता है। और आपको ये ताज्जुब होगा कि इसमें दोनों ट्रस्टों का जो पैसा है उसमें से 99% पैसा 3 कंपनियों में, दीवान फाइनेंस कंपनी के संग 2 और कंपनियां भी हैं, 99% उसकी निधि जो है इन 3 ऐसी गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं में जमा की गई, 65% दीवान में है, बाकी 34% और भी कहीं पर है 2 कंपनियों में जी। कुल 99% इन्वेस्टमेंट हुआ है और बात हो रही है गाइडलाइंस के हिसाब से 5% की। अब आप इससे नियमों की अनदेखी क्या और लोहन, ये नियमों की अनदेखी नहीं है, ये नियमों का उल्लंघन है साफ तौर पर। एक जिम्मेदारी से सवाल हरीश जी को जाना है, इस सवाल का जवाब जब नियमों की अनदेखी की गई बल्कि उल्लंघन किया गया, ये मैंने नहीं कहा, ये संतानी साहब ने कहा जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट है। सर जब बीजेपी की अगर बात करें, 2017 का जब प्रचार हो रहा था या होता ही रहता है, गुड गवर्नेंस की बात करती सरकार, लेकिन इसको क्या कहेंगे इस पूरे सिस्टम को सर, जो चीजें सामने आ रही हैं सर? नहीं देखिए, ये विषय संज्ञान में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्वरित कदम उठाए, उसी का नतीजा है कि पर दर पर तो सारी चीजें खुली। ये बात सही है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा निहितार्थ मोटिव था जिसके कारण कि वो 5% की बैरियर को क्रॉस करते हुए नहीं, तो सरकार इस निहितार्थ जो चीजें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे मोशन मिशन कुछ तो सरकार ने पता लगाने की कोशिश नहीं की क्या? आश्वासन तो लगातार दे रही है सरकार, क्या विजन हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है? आलोक जी, सरकार कोई ऐसी संस्था नहीं होती कि आईनी तरह सब चीजें उसके सामने आती जाए। जैसे एक शिकायत कहीं से आई, उसमें जब जांच पड़ताल हुई तो जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर जब इकोनॉमिक अफेंस विंग ने के डीजी ने इसकी जांच किया तो ये परतें खुली कि भाई कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने इसकी वो किया, और उसमें कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं है कि कोई मंत्री के संज्ञान में लाने की बात है या उनसे स्वीकृति लेने की बात है। जो दो चार सवाल ये कि जो गाइडलाइंस हैं उनका सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सीधा सीधा? जो ट्रस्ट के जो बोर्ड था, जी जी, जो ट्रस्ट के जो भी मेंबर और चेयरमैन सहित जितने लोग हैं वो सब उसके जिम्मेदार हैं जी।
चलिए एक सवाल का जवाब और दे दीजिए बस हरीश जी, जाते जाते पैसा कब तक मिलेगा और लोगों को आप किस तरीके से आश्वस्त करेंगे सर? देखिए पावर कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं उनके कर्मचारी प्रतिनिधियों की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जैसा मीडिया माध्यमों से आया था कि उनको लिखित आश्वासन सरकार से मिल गया है और उनके पैसे के की भुगतान के संदर्भ में भी जो भी उस समय चर्चा हुई हो ये तो पावर कॉर्पोरेशन संबंधित लोग बता सकते हैं, मैं उस मीटिंग का पार्ट नहीं था लेकिन जैसा कि मीडिया माध्यम आया था उसी कारण उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारियों ने अपनी स्टाई भी काल आपकी। जी जी जी। तो हरीश जी एक सवाल हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग लगातार इन्होंने पूरे इस मामले को उठाया है, अवनीश एक आपसे सवाल करेंगे जल्दी। हरीश जी एक सवाल है कि जब DHFL का मामला सामने आया, ऊर्जा विभाग का मामला सामने आया, सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट था, उसके बाद सरकार ने क्यों नहीं जहमत उठाई कि जितने भी जगह DHFL का पैसा लगाया, क्योंकि सरकारी ऐसी कई संस्थाएं जिनका कर्मचारियों का पैसा लगा हुआ है उनकी मॉनिटरिंग हो, उनकी एक लिस्टिंग हो ताकि DHFL से पैसा लेने के लिए उनकी लड़ाई लड़ी जाए। ये तो एक ग्राउंड रिपोर्ट की जैसे शिकायत मिलती जा रही वैसे परत दर परत खुलती जा रही है, सरकार को नहीं चाहिए कि एक लिस्ट बनाती इस मामले में? देखिए सरकार को क्या पता कि लोगों जैसे ये सहकारी बैंक है, एक उसका बोर्ड है, चेयरमैन है, तो सरकार को क्या पता कि इन्होंने पैसा जमा किया है। अब लेकिन जब ED उसकी जाँच कर रही है तो ED तो अपने आप उसकी जाँच में सारे लोग आ जाएंगे, ED की जाँच में जितने भी लोग हैं। तो सरकार तो एक ऐसी संस्था है कि आप उसको एक अमूर्त वो रूप कह सकते हैं, जब कोई विषय आएगा तब उस पर एक्शन होता है। बाकी किसी को आज तक नहीं पता था कि सहकारी भूमि विकास बैंक ने भी उसमें इन्वेस्ट किया है जी। तो ये जो चीज़ें हैं वो तो जब कोई चीज सरफेस पे आती है जानकारी तो तभी आती है। इसके लिए तो फिर सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपने किस तरीके से ये मामला सामने उठाया पावर कॉर्पोरेशन के बाद। क्यों अवनीश, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर पूरे लाइव डिबेट में। धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले के मामलों को उजागर किया जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपको जाना है लेकिन मैं अब जरा संदीप जी के पास आ रहा हूँ। संदीप जी सवाल यही है कि आखिर जांच में देरी कैसे हुई, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जांच जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। और रही बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे बीजेपी के कि 2016 में घटना शुरू हुई, तो एक पहलू और भी है, हम उसको डिनाई कर रहे हैं। DHFL में जब पैसा लगाया गया 2016 में तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही अच्छी थी, इस बात को आप भी मानेंगे और मैं भी मानता हूँ। जहां तक मुझे जानकारी है जब 2016 में उसमें पैसा लगाना शुरू हुआ तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, और नोटबंदी के बाद उसकी परफॉर्मेंस खराब क्यों हुई ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए, जिस पक्ष को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां जिनका विनाश जो है हमारे मोदी सरकार ने एक अपने गलत निर्णय और अहंकारी और हिटलरशाही निर्णय के माध्यम से किया है, ऐसी बहुत सी कंपनियां बर्बाद हुई है। उस कंपनियों की बर्बादी की श्रेणी में यह भी एक कंपनी है। एक दूसरा पहलू, अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमको कुछ पता नहीं था, जब ये बात आएगी तब जांच होगी। तो भैया आपको स्विस बैंक में कितने पैसे जमे हैं दूसरी सरकार में वो पता रहता है, आपकी सरकार में आपके विभाग का पैसा लग रहा है आपको जानकारी नहीं है, मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण बात। चलिए आज हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, आज हम उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की सीमित रहते हैं, आज हम स्विस बैंक की बात करते हैं तो फिर वो 14 लाख रुपए वाला मामला सामने आ जाएगा। खैर मैं राजेश यापी के पास आ रहा हूँ। इतने सालों में पैसा जमा हो रहा था, कहाँ जमा हो रहा था, कभी किसी ने जहमत नहीं उठाई, लोग सो रहे थे क्या? अब देखिए जिनका EPF कटता है उनको अपनी जानकारी तो रखनी चाहिए। खैर हम लोग तो GPF वाले हैं, उस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अपनी जो पैसा कट रहा है कहाँ जा रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जी। मैं अपने मित्र हरीश जी से चले गए, मैं पूछना चाहता था कि जो NPS खाता धारक हैं, NPS जो न्यू पेंशन स्कीम के नए लोग हैं कर्मचारी, उनका CPF कटता है और वो भी पैसा जो उनको बाद में मिलेगा 60% और 40% जो रेशियो है, और ये उसमें शेयर मार्केट में लगेगा, कंपनी में लगाया जाएगा। तो ये जो हरीश जी बात कह रहे थे कि जब इसे सामने आएगा, घोटाला सामने आएगा तो मामला उसको देखा जाएगा, करा जाएगा, केंद्र में इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है, OPS लागू करते हैं, कम से कम वो चीज तो कुछ बचेगी, एक संदेश तो जाएगा कि वो पैसा जो है आपका उसी महालेखाकार कार्यालय में सरकार कार्यालय में जाएगा। की बात की गई और आपने जो कहा कि जागरूकता की बात की, मैं बहुत एक अहम सवाल संतानी साहब आपसे बात कर रहा हूं। जब हम PF के डिटेल्स मांगते हैं
बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें डिबेट करने में, सवाल करने में, लेकिन क्या हम अपने एचआर से अगर 3 या 4 बार पीएफ नंबर मांगे जाकर के, तो वो नंबर देने के बजाय मुझे लगता है ये टर्मिनेशन लेटर जरूर थमा देगी, नहीं लगता आज की ये मैं कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा हूं सर? ये विषय इस रूप में मत लीजिए, पीएफ का ज्यादातर हम लोग भी बैंक में नहीं, ये मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि मैंने राजेश जी से सवाल उठाया था कि लोग क्या कर रहे थे, यहाँ जागरूकता की भी बात है, यहाँ जागरूकता का, जागरूकता का संबंध थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। इम्प्लॉयज को जो इनका फंड कटता है उनको एनुअली हाफ ईयरली अलग अलग जो ट्रस्ट का सिस्टम है उस हिसाब से कन्फर्मेटरी आती है बैलेंस की, और वो आती होगी यहाँ भी। यहाँ विषय ये नहीं है कि कोई उनकी कन्फर्मेटरी गड़बड़ है, उनकी भाई उनका पैसा कट रहा है, उनके पीएफ खाते में जमा हो रहा है इंडिविजुअल, उसका बैलेंस कंफर्मेशन आ रहा है, लेकिन वो पैसा आगे इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है ये कर्मचारी नजर नहीं रख सकता। ये जो ट्रस्ट होता है जिसमें एक उनका प्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो इस पर नजर रखे, लेकिन जब 4 साल से यहाँ बताया जा रहा मीटिंग नहीं हुई तो ये जरूर आश्चर्य की बात है कि उन कर्मचारी नेताओं को इस मीटिंग की मांग करनी या इस पर आंदोलन करना था, कोई मीटिंग नहीं हो रही है तो मनमाने निर्णय हो रहे होंगे, अन्यथा कर्मचारी डायरेक्ट बेचारा कैसे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारियां थोड़ी बहुत ले सकता है। लेकिन यहां तो जिनकी जिम्मेवारी थी उन्होंने उल्लंघन करते हुए चीजों को किया और उसको ये बता के किया कि शायद इसमें मुनाफा होगा जी। अब हम लोग आज बैंक के नाते हम आपको यहां ऐड कर देना चाह रहे हैं कि हम लगातार खुद ही कह रहे हैं कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र को बचाइए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तो रीढ़ की हड्डी है, उससे सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुरक्षित है, हमारे आम जन का पैसा भी सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, और उसी पैसे को लेकर के हम बात कर और एक निश्चिंता होती है, लेकिन अब सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है उसके दुष्परिणाम है। सवाल यह है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर गाढ़ी कमाई की बात कर रहे हैं, पैसे को संरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, जिस बेफिक्री की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो मेरा सवाल आपसे था, ये सारा का सारा जो खेल है ये अंडर द टेबल हुआ है, ये आप मानेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो पड़ताल है उसमें जो बातचीत है, कोई भी स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं, चाहे वह ट्रस्ट के सचिव हों चाहे वह प्रमुख सचिव हों। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब नीति बनाई गई थी 2016 में कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पैसा दिया जाए, उनका जो कर्मचारियों का अंशदान लिया जाता है 12% का, उसका निवेश वहाँ पे किया जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ब्याज की राशि है वो जरूर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कोई ना कोई स्वार्थ होगा, कोई ना कोई हित होगा, इसीलिए तमाम जो कंपनियाँ हैं और खुद विकास बैंक भी है जिसने पैसा लगा दिया, तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि राउंड द टेबल कोई ना कोई स्वार्थ था जी। और यही वजह है कि DHFL जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, केंद्र सरकार की उन 21 बैंकों की सूची में नहीं है, उसके बावजूद DHFL में पैसा लगाया गया, और पैसा सिर्फ एक जगह का नहीं है, अगर सिर्फ परत दर परत खुलते जाएं तो तमाम ऐसे बैंक भी है जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है वहां पे, और 5% के मानक है, तो ये दावा करना गलत नहीं होगा कि DHFL में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 5% नहीं 50-50% से ज्यादा के निवेश हो चुके हैं। तो जैसे ही जैसे एक एक परत खुलती जाएगी तब कारनामा देखने में सामने आएगा कि DHFL ने कितने पैसा का निवेश किया और RBI ने उस पर रोक क्यों लगाई, दिवालिया क्यों घोषित हुआ, उसके बाद जितने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का पैसा है, जिनका पैसा फंस चुका है, उनका पैसा कैसे मिलेगा, इसका जवाब बिल्कुल किसी के पास नहीं है, चाहे वो प्रमुख सचिव लेवल हो, चाहे सरकार हो, चाहे वह शासन हो, चाहे वह खुद केंद्र सरकार हो, किसी के पास जवाब नहीं है। सबका यही तर्क है कि उसमें जांच हो रही है, लेकिन जो कंपनी दिवालिया हो किसी के पास है जवाब, ये वाला बस मैं 30-30 सेकंड में एक एक फाइनल कमेंट। संदीप जी, है आपके पास जवाब की कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई कैसे वापस मिलेगी? सिर्फ 30 सेकंड में सर, जल्दी से। हाँ, ये जवाब मैं नहीं दूंगा। हाँ, ये जवाब सरकार देगी। आप उठा सरकार सकते को चाहिए आप की तरफ से उठा बिल्कुल सकते उठा तो रहा हूँ। हाँ, सरकार को चाहिए क्या? बिल्कुल, हम तो यही कह सकते हैं ना कि सरकार को चाहिए कि वो पैसे को पैसे की यही तर्क तेवर 17 तारीख को देखेंगे ना, जब सत्र शुरू होगा शीतकालीन। बिल्कुल क्यों नहीं दिखेंगे, और हम जनहित के मुद्दे उठ रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। चलिए, कोशिश करेंगे कि विपक्ष इसी तरीके के जनहित मुद्दे उठाता रहेगा। राजेश जी, फाइनल कमेंट, क्या कुछ सरकार के पास अब आप लोगों ने भी कुछ विकल्प रखा है क्या? आलोक जी, मुझे तो आज बड़ी हैरानी हुई आपसे जानकारी मिला कि ये DHFL के प्रमोटर इकबाल मिर्ची, जो दाऊद इब्राहिम का साथी है, ये इसका प्रमोटर था। इस तरह से ना जाने कितनी कंपनियां खड़ी हो गई हैं। सर, इसके लिए क्रेडिट गोज तो हमारे अवनीश, हमारे संवाददाता, यही जानकारी निकाल करके लाए, ये हमारे बहुत खोजित संवाददाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे युवा पत्रकार और ऐसे पत्रकार भी हैं जो जो है ऐसी चीजों खोज के ला रहे हैं और कर्मचारी की बातों को सामने मंच पर लाने का काम कर रहे हैं, उनके हितों की जो है हितों की पूर्ति कर रहे हैं।
तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि जांच के नाम पर छोटी मछलियां फंसे और बड़ी मछलियों को किनारे कर दिया जाए, और साथ ही निर्णायक संघर्ष के साथ में सभी लोगों को मिलकर के सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा ताकि उनका एक एक रुपया, उनके भविष्य का पैसा, बुढ़ापे का पैसा उनके हाथों तक पहुंचे। बिल्कुल, तो ये इसका इस समस्या का समाधान क्या है? बस सर, इतनी सारी डिबेट कर ली, इतने सारे सवालों के जवाब, लेकिन जनता को बस चाहिए एक अदर जल्दी से उसका पैसा मिल जाए बस सर। हाँ। यहाँ पे तुरंत पैसा पेमेंट होने का विषय नहीं है ये। जैसे जैसे ड्यू को मिलता रहे उस पे है। यहाँ लोगों को चाहिए और उन कर्मचारियों को कि सरकार इसकी गारंटी दे, तो सरकार को इस बात की घोषणा करनी चाहिए श्योरिटी देते हुए कि उनका पेमेंट टाइमली और ड्यू टाइम पे होता रहेगा, और साइमल्टेनियसली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि जो एनसीएलटी में ये मामला गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, वहां से ये कैसे, या एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो कार्रवाई कर रहा है ये जल्दी से इस पे अपनी वो निर्णय ले और लोगों के पैसे की सुरक्षा करें, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा नहीं कि रिकवरी हो नहीं सकती। अवनीश, आज हम लोगों ने जिस तरीके से बात की उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की, और मुझे जो जानकारी मिल रही यूपी सेटको में भी कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा है, हालांकि इस पर हम कल बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, यूपी सिडको की अगर बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं फंसा है, लेकिन 5 करोड़ रुपए का निवेश DHFL में हुआ था। हालांकि ये थोड़ी सी छोटी रकम है और ये एक सिक्योर बॉन्ड होता है, उस सिक्योर बॉन्ड के थ्रू ये पैसा लगाया गया है, तो उस पैसे को मिलने की एक संभावना होती है, लेकिन जो FD होती है पैसा वह कहीं ना कहीं फंस सकती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का निवेश हो रहा है, तो उस निवेश को रोकने के लिए चाहिए कि जिस तरीके से आज प्रमुख सचिव ने एक आदेश दिया है कि जितने ग्राम विकास बैंक हैं उस ग्राम विकास बैंक में आयुक्त भविष्य निधि के अंडर में पैसा लगाया जाए, उसके लिए एक पत्र भी जारी हुआ है कि वह त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि वह प्रोविडेंट फंड जो भी आता है, जो भी अंशदान आता है, वह आयुक्त भविष्य निधि में लगाया जाए और उससे बाहर कोई भी ऐसी वाकया ना हो कि प्राइवेट कंपनी में इस तरीके का पैसा लगाया जाए। और अब सरकार को चाहिए कि जितने भी संगठन है वहां पड़ताल एक करवाए, क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी हैं, और सरकारी में एक प्रमुख सचिव बैठता है, विशेष सचिव, तमाम ऐसे आला अधिकारी बैठते हैं जो इस योग्य होते हैं कि उनकी वो जांच करवा सकते हैं कि किसका पैसा कहां पे लगा हुआ है। तो जितने भी अंशदान हैं, जितने भी पैसे PF के पैसे लगे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि DHFL में कहां कहां का पैसा लगा हुआ है, और ये खबरों के माध्यम से नहीं, ये सरकार को आके बताना चाहिए। सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार इसकी लिस्ट आगे दे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका भी, SK संतानी जी आपका भी, अवनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़े थे संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी जा चुके हैं फिलहाल। तो कुल मिलाकर के आज जो हमने चर्चा की यही कि कुछ कंपनियां तो दिवालियां हो गई, लेकिन इनका पैसा कब मिलेगा और इसमें पैसा जो फंसा है वो कब तक मिलेगा ये अभी तक साफ नहीं है। लोगों को इंतजार है सरकार की तरफ से, सरकार क्या कुछ इसके लिए प्लान करती है। नमस्कार।